हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तीन ऐसे स्टॉक के ऊपर जहां पे कि हम लोगों को एक बहुत ही अच्छा बाइंग पोटेंशियल देखने को मिल सकता है। ऑलरेडी स्टॉक में एक अच्छा तेजी देखने को मिला है, लेकिन अभी और इन सभी स्टॉक्स में एक अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है। तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको सभी पॉइंट्स बिल्कुल अच्छे से क्लियर होंगे। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोगों को वीडियो पसंद आता है, एनालिसिस अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। साथ ही साथ अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऑल को भी सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इसके साथ ही अगर अभी तक आप लोगों ने ट्विटर, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस लिंक के थ्रू आप ट्विटर, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे कि आपको और भी स्टॉक्स के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे। चलिए बात कर लेते हैं स्टॉक्स के ऊपर। सबसे पहला स्टॉक है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक के शेयर में अगर देखेंगे फ्राइडे के सेशन में स्टॉक में हम लोगों को ज़्यादा तेजी देखने को नहीं मिला। स्टॉक ओवरऑल 0.58% की तेजी के साथ क्लोज हुआ है। इस पूरे वीक की अगर बात करेंगे तो तकरीबन स्टॉक जो है 0.3% की तेजी के साथ क्लोज हुआ है। स्टॉक जब मार्केट फॉल हो रहा था तभी भी इस स्टॉक ने काफ़ी स्ट्रांगली अपने लेवल्स को होल्ड किया। लास्ट वन मंथ की अगर बात करेंगे तो स्टॉक जो है 5.5% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है, और लास्ट सिक्स मंथ में अगर बात करेंगे तो स्टॉक तकरीबन 20% के एक अच्छे तेजी के साथ स्टॉक ट्रेड कर रहा है। चलिए चार्ट्स के ऊपर बात कर लेते हैं। अगर हम लोग चार्ट के ऊपर बात करेंगे तो स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। इस स्टॉक को हम लोगों ने लास्ट ईयर दीपावली के टाइम पे पिक किया हुआ था, जब यहाँ पे आपको एक अच्छा ब्रेकआउट हम लोगों को देखने को मिला था। मंथली कैंडल पे ब्रेकआउट आपको देखने को मिला था, और उसके बाद से अगर देखेंगे तो वन ईयर में स्टॉक ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। ऑलमोस्ट 130 पॉइंट का यहाँ पे आपको रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल जो है आपको यहाँ पे क्लोज टू 13% से ज़्यादा का रिटर्न देखने को मिल रहा है। स्टॉक में अभी भी एक अच्छा ब्रेकआउट हम लोगों को दिख रहा है। इस मंथ में भी देखेंगे तो सितंबर मंथ में वापस से यहाँ पे स्टॉक ने 3 मंथ का जो एक कंसोलिडेशन रेंज था, इस रेंज को ब्रेकआउट करके स्टॉक ने यहाँ पे क्लोज दिया है। स्टॉक ऊपर की साइड में जो है 1200-1300 की तरफ जा सकता है। इस स्टॉक में नीचे की साइड से अगर देखेंगे तो हम लोगों को एक क्लियरली ट्रेंड लाइन का सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मंथली चार्ट पर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, और काफ़ी अच्छे तरीके से स्टॉक जो है इस ट्रेंड लाइन से बाउंस बैक करके ऊपर की साइड मोमेंटम कर रहा है। वीकली बेसिस पे भी अगर देखेंगे तो ये वीकली बेसिस पे ये सपोर्ट काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। स्टॉक यहाँ से बाउंस बैक किया, बाउंस बैक करने के बाद देखेंगे फर्स्ट टाइम यहाँ पे सपोर्ट लिया, वापस से यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे काफ़ी अच्छा एक बेस बनाया, अगेन यहाँ पे आपको फ्रेश स्विंग हाई लगाया, वापस से रिट्रेस बैक, अगेन फ्रेश स्विंग हाई। तो इस स्टॉक में हम लोगों को एक अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है। तो करेंट लेवल पे इस स्टॉक को अभी भी हम लोग बाई कर सकते हैं। डाउन साइड में अगर बात करेंगे तो डाउन साइड में आपका SL जो है 930 के नीचे वीकली क्लोजिंग बेसिस पे होना चाहिए, क्योंकि ये एक अच्छा बेस है। 930-995,000 ये एक अच्छा बेस है, सपोर्ट बेस है, जहां से कि स्टॉक ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया था। अब वापस से इस स्टॉक में जो है ऊपर की साइड में हम लोगों को एक अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है। ऊपर की साइड में 1150-1250 ये सभी लेवल्स जो है आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की अगर बात करेंगे तो नेक्स्ट स्टॉक है गोदावरी पावर। गोदावरी पावर के स्टॉक में भी हम लोगों को एक अच्छा ब्रेकआउट दिख रहा है। मंथली चार्ट पे क्लियरली देखेंगे 500 के लेवल के ऊपर एक अच्छा ब्रेकआउट आया था, और उसके बाद से स्टॉक में एक शानदार तेजी देखने को मिल रहा है। यहाँ पे स्टॉक में क्लियरली एक ब्रेकआउट आया था 2017 में, बट उसके बाद स्टॉक वापस से फॉल बैक कर गया था सेम रेंज में, जिस रेंज में स्टॉक उससे पहले ट्रेड कर रहा था। उसके बाद 2020 के फॉल के बाद जो ब्रेकआउट आया, तो क्लियरली स्टॉक में जो है हम लोगों को एक शानदार तेजी देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो इस स्टॉक में हम लोगों ने देखा था जो एक अच्छा रेंज का ब्रेकआउट आया था। ट्विटर के हैंडल पे इस स्टॉक के बारे में हम लोगों ने अपडेट किया हुआ था, आप जाके चेक
कर सकते हैं प्रीवियस पोस्ट में। तो यहाँ पे एक अच्छा रेंज था 2021 से ही रेंज था, जो कि फाइनली जाके आपको जून मंथ में ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद अगर देखेंगे तो स्टॉक में एक अच्छा तेजी हम लोगों को देखने को मिल चुका है। तकरीबन 30% का जो है यहाँ पे हम लोगों को तेजी ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। तो इस स्टॉक में वापस से एक अच्छा तेजी ऊपर की साइड में देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखेंगे तो स्टॉक में एक अच्छा बुलिश इंगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन हम लोगों को दिख रहा है। स्टॉक इस रेंज में ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे जो है प्रीवियस 4 वीक के क्लोजिंग प्राइस के ऊपर जो है स्टॉक ने क्लोज दिया है। तो एक अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है, साथ ही साथ पावर सेक्टर के सभी स्टॉक्स में एक अच्छा तेजी दिख रहा है। तो गोदावरी पावर यहां पे लीड कर सकता है। तो इस स्टॉक को हम लोग करंट मार्केट प्राइस पे बाई कर सकते हैं। नीचे की साइड में हम लोगों का SL जो है 550 के नीचे वीकली क्लोजिंग बेसिस पे होगा। ऊपर की साइड में जो है 700 आपका पहला टारगेट, और उसके ऊपर अगर निकलता है तो फिर आपको 800 तक का एक अच्छा टारगेट देखने को मिल सकता है। और लास्ट स्टॉक की बात करेंगे तो लास्ट स्टॉक है पॉलीकैब। पॉलीकैब के स्टॉक में क्या बहुत ही ज़बरदस्त मोमेंटम इस स्टॉक ने दिया है। ऑलमोस्ट अगर बात करेंगे तो 1200 के लेवल पे स्टॉक में ब्रेकआउट आया था 2021 के जनवरी मंथ में, और उसके बाद 2.5 ईयर में स्टॉक ने यहाँ पे आपको 4000 पॉइंट से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। तो मोर देन 4 टाइम्स का रिटर्न इस स्टॉक में हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक में अभी भी एक अच्छा तेजी दिख सकता है, क्योंकि जितने भी वायर्स के शेयर की अगर बात करेंगे, प्रिसीजन वायर्स, पैरामाउंट केबल, इन सभी स्टॉक्स में एक अच्छा तेजी देखने को मिल रहा है। बिड़ला वायर, तो इसी में पॉलीकैब जो है वन ऑफ द लीडर स्टॉक है इस सेक्टर का। तो यहाँ पे और भी ज़्यादा तेजी हम लोगों को देखने को मिल सकता है। और रीसेंट के चार्ट पैटर्न को देखेंगे, एक अच्छा मोमेंटम हुआ, उसके बाद स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेट किया, वापस से ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद एक मोमेंटम, यहाँ पे पुल बैक, और अब वापस से स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ है। तो करंट मार्केट प्राइस पे इस स्टॉक को भी बाई कर सकते हैं। डाउन साइड में जो है आप अपने स्टॉप लॉस को 5000 के नीचे वीकली क्लोजिंग बेसिस पे यहाँ पे प्लेस करके रख सकते हैं, और ऊपर की साइड में जो है आपको 6000 तक का एक बड़ा टारगेट देखने को मिल सकता है। आई होप आप लोगों को सही पॉइंट जो है बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।